गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन मैथ क्लासेस पे। मैं राजन आप सबके सामने नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, जो मैं एक्सपोनेंट पढ़ा रहा हूँ 7, 8, 9 लेवल का, एडवांस लेवल का जो एक्सपोनेंट है उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, लाइक करें, और अच्छा सा कमेंट जरूर दें अगर आपको पसंद आ रही है तो, ताकि सबको पता चले कि हाँ फ्री में क्लासेज चल रही है 7, 8, 9, 10 की। तो जो बच्चे नहीं मालूम है, जो पढ़ नहीं पा रहे इस लॉकडाउन में, किसी वजह से टीचर का आना बंद हो गया है घर पर, तो वो मोबाइल से घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो डालता हूँ, कभी कभार 1 घंटे की डालता हूँ, 10 की जनरली मैं पर डे 1 घंटे की डालता हूँ, बाकी क्लासेस की आधे आधे घंटे की डालता हूँ। अभी तो 7 और 8 का कम्बाइंड ही मैं क्लास ले रहा हूँ, रेशनल नंबर पढ़ा रहा हूँ, तो और फिर एक्सपोनेंट भी कम्बाइन ही है 7, 8, 9 के लिए। वैसे क्लास 9 और 10 के लिए मैंने बहुत सारा चैप्टर कम्प्लीट करा दिया है, लगभग 5-6, 10-10 चैप्टर कम्प्लीट हो गया। 1 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई थिंक 22 तारीख से बना रहा हूँ, 22 अप्रैल से, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंट में आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम, रूट्स अंडर से रिलेटेड, इनटू में रहे तब, प्लस में रहे तब, मल्टीप्लाई में रहे तब, इनफाइनाइट तक, और कुछ नंबर तक भी, ठीक। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन लेते हैं। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्वेश्चन, इफ ए का पावर पी, बी का पावर क्यू, सी का पावर आर इज इक्वल टू ए बी सी, फाइंड पी क्यू आर। एक पूछा गया है कि ए का पावर पी है, बराबर है बी के पावर क्यू के, और बराबर है सी के पावर आर के, तो ए जो कि ए बी सी, तीन चारों एक दूसरे के बराबर है, तो पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। मैं बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। अब पहले इसको इसके इक्वल कर लीजिएगा, ए की पावर पी जो है ए बी सी के बराबर, करने से कोई फायदा होगा नहीं होगा, तो इसके इक्वल टू में हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, इसके बदले में हम क्या लिख देते हैं, इक्वल टू ए बी सी और इज इक्वल टू के, लेट कर, लेट तो है स्टार्टिंग में, और इसको इसके इक्वल कर देते हैं, ए का पावर पी बराबर के, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आएगा, के का पावर 1/p आएगा, ठीक है, समझ गए आप। फिर अब लिखिएगा कि बी का पावर क्यू भी तो के ही है, तो बी का वैल्यू क्या आएगा, के का पावर 1/q। अब आप लिखिएगा कि सी की पावर आर भी तो के ही है, तो सी बराबर के का पावर 1/r हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आप लिखिएगा कि ए बी सी भी किसके बराबर है, के के बराबर है ना, वो ए बी सी भी आपका के बराबर हो गया। ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, के का पावर 1/p इंटू के का पावर 1/q इंटू के का पावर 1/r इज इक्वल टू के है, के का पावर, ये देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर होगा प्लस 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू के, ठीक है, खत्म हो जाएगा, बेस कैंसिल हो जाता है, पावर इक्वल, ये हो गया 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेंगे, ज्यादा ज्यादा खुश होकर, क्योंकि पी क्यू आर लाना है, एलसीएम लेने में पी क्यू आर आ जाएगा, पी क्यू आर का एलसीएम पी क्यू आर, पी से पी कट गया क्यू आर, प्लस क्यू से क्यू कट गया पी आर, प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी क्यू आर का वैल्यू आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और यही आपका आंसर है, ठीक है, यही हमारा पी क्यू आर का आंसर है, क्योंकि पूछा था फाइंड पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का वैल्यू इतना आया, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का।
वेयर इज क्वेश्चन, क्वेश्चन ढूंढने में भी टाइम लग जाता है कभी कभार। इफ एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर जेड इक्वल टू जेड की पावर एक्स एंड एक्स जेड बराबर है वाई स्क्वायर, एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर जेड इक्वल टू जेड की पावर एक्स एंड एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में लिखा ही नहीं क्या फाइंड करना है, एंड व्हाट, ये क्वेश्चन अधूरा ही मैं लिख दिया हूँ, इसमें लिखा ही नहीं है क्या फाइंड करना है, फिर भी इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर जेड इक्वल टू जेड की पावर एक्स है और एक्स जेड इज इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग बनाना शुरू करते हैं, देखिए ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। एक्स जेड बराबर है वाई का स्क्वायर, तो वैल्यू निकालना हो क्या, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ फाइंड क्या करना है यही क्लियर नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं क्या फाइंड करना है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ टू की पावर एक्स थ्री के पावर वाई इक्वल टू सिक्स के पावर जेड देन, हाँ ये क्वेश्चन देखिए कंप्लीट है, तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड क्या होगा, ये पूछा गया। बनाना शुरू करते हैं, बनाने में टाइम लगेगा ना, क्वेश्चन रख देता हूँ। देखिए तीन ही है यहाँ पे, तो चार ही थे, तीन थे तीन बस, लेट टू का पावर एक्स थ्री का पावर वाई सिक्स का पावर जेड इजी बोली छे, अब क्या होगा इसको इसके बराबर, टू का पावर एक्स के होगा तो टू का वैल्यू के का पावर वन बाई एक्स, थ्री का पावर वाई के होगा तो थ्री का वैल्यू के का पावर वन बाई वाई, और इसको भी लिख लेते हैं कि सिक्स के पावर जेड भी तो के है, तो सिक्स क्या होगा k का पावर वन बाई जेड। अब एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे तीन नंबर यूज हो रहा है, टू हो रहा है, थ्री हो रहा है, सिक्स हो रहा है, तो आप जानते हैं ये आपको यूज करना है आपका कॉमन सेंस, कि हमको पता है भाई टू इंटू थ्री सिक्स होता है, क्यों लिखे टू इंटू थ्री सिक्स, क्योंकि टू का वैल्यू पता है, थ्री का पता है, सिक्स का पता है, तो टू का वैल्यू डाल देते हैं, k का पावर वन बाई एक्स, k का पावर वन बाई वाई, k का पावर वन बाई जेड, बेस सेम है, पावर प्लस, अब देख रहे हैं बेस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, लाना क्या है वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड लाना है, ये वन बाई जेड को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तब क्या होगा, कुछ तो करना होगा तभी तो आंसर आएगा, बोथ साइड हमें वन बाई एक्स वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड चाहिए, तो हमने वन बाई जेड इधर प्लस किया तो इधर भी प्लस कर दिया बैलेंस, तो इसका वैल्यू क्या है टू बाई जेड, और टू बाई जेड ही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो अगले में हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन भी तो ढूंढना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन में नई जगह लिखा ही नहीं, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई सी की पावर जेड, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई c की पावर जेड एंड a क्यूब इज इक्वल टू b स्क्वायर c, फाइंड क्या फाइंड करना है, 2 बाय x सॉरी 3 बाय x माइनस 2 बाय y, 3 बाय x माइनस 2, ये क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ये तीन है, तीन है, लेट a का पावर x b का पावर y c का पावर z बराबर क्या k लेते आ चुके हैं, लिखेंगे कि ए का पावर एक्स इक्वल टू के है तो यहाँ से ए का वैल्यू के का पावर वन बाई एक्स, बी का पावर वाई के है तो बी का वैल्यू के का पावर वन बाई वाई, सी का पावर जेड बराबर भी के है तो सी बराबर के का पावर वन बाई जेड, ये तो हमने कर लिया बेसिक फॉर्मेलिटी, तीनों क्वेश्चन में वही होते आ रहा है। अब आगे क्या होगा देखिए, अब हमको दिया हुआ है कि ए क्यूब बराबर बी स्क्वायर सी, अब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए के का पावर वन बाई एक्स, के का पावर वन बाई एक्स और बाहर में हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर है, तो के का पावर वन बाई वाई के बाहर में टू और सी तो सिंपल के का पावर वन बाई
ये क्या हो जाएगा, पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको मालूम है कि ये k का पावर 3/x हो जाएगा, ये हो जाएगा k का पावर 2y इंटू k का पावर 1/z, यही होगा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगा, तो इस पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस करने के लिए जगह जगह है, यहीं पे करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, k का पावर 3/x इज इक्वल टू k का पावर 2/y प्लस 1/z, k खत्म हो गया, 3/x इक्वल टू 2/y प्लस 1/z। अब हम 2/y को इधर ला देते हैं, 3/x माइनस 2/y इक्वल टू 1/z, यही आंसर, यही लाना था। देखिए 3/x माइनस 2/y लाना था, 3/x माइनस 2/y क्या आ गया, 1/z, तो यही 1/z आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक जैसा एक दो तीन, एक जैसा तीन क्वेश्चन बनाने के बाद आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो उसे भी हम लोग बनाते हैं। इलेवन का पावर एक्स, थ्री का पावर वाई, 99 का पावर जेड, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये भी वही है। देन फाइंड 1/x प्लस, यही ना क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद से बनाएंगे या लिख बना देता है, ये क्वेश्चन बना देता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, 11 का पावर एक्स लेट करेंगे, 11 का पावर एक्स जो है 3 के पावर वाई इज इक्वल टू 99 के पावर जेड का वैल्यू हमने के ले लिया, तो 11 का पावर एक्स जब के बराबर है तो 11 क्या होगा, के का 1/x, 3 का पावर वाई जब के है तो 3 क्या होगा, के का पावर 1/y, 99 का पावर जेड के बराबर है तो 99 क्या होगा, के का पावर 1/z, ठीक है। अब हम लिखेंगे, फिर कॉमन सेंस 236 वाला याद है ना, 2 × 36 किए थे, वैसे ही 11 3 और 99 के हिसाब से बनाना, तो हम लिख सकते हैं 11 × 3 × 3 इज इक्वल टू 99, 11 × 3 × 3 99, 11 का वैल्यू डालिए, k का पावर 1/x, ये k का पावर 1/y, फिर से k का पावर 1/y और 99 हो जाएगा k का पावर 1/y। आपको किसका वैल्यू निकालना है, पहले क्वेश्चन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का, तो इसको जोड़िए क्या होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, होगा ना, यहाँ k रहेगा, यहाँ भी k रहेगा, k से k आप कटा देते हैं, हमें लाना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो इधर 1/z ऐड करना होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/z प्लस 1/z, यही होगा। देखिए हमको लेफ्ट में x y z तीनों चाहिए, x था दो बार, y था तो z एक बार ले लिए, इधर भी था एक बार, इधर भी, अब एक y उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/z और माइनस 1/y, तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अजीबो गरीब क्वेश्चन जो अजीबो गरीब आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूँ, क्योंकि लगातार ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कर दिया, ठीक है। वेरिस क्वेश्चन, आई का पावर एक्स इज इक्वल टू 3 का पावर वाई इज इक्वल टू 45 का पावर जेड, प्रूव दैट ही कर दिया है, प्रूव दैट
वन बाय जेड इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस टू बाई वाई, ठीक है, यही है वन बाय एक्स प्लस टू बाई वाई। और ऐसा क्वेश्चन अगर है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन इस तरह का, अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, विच इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट, विच इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट थ्री का पावर 198, 27 का पावर 64, 9 का पावर 100, 81 का पावर 49। पूछा गया इसमें सबसे बड़ा कौन है, कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे बड़ा कौन है बताना है। तो देख रहे हैं सब 3 का पावर 327, सब 3 का पावर ही कुछ है, तो सबको 3 के पावर में बदल देते हैं, इसका तो कुछ नहीं होगा। इसको 27 को 3 का पावर 3 और बाहर में 64, 3 का पावर 2 और बाहर में 100, 3 का पावर 4 और बाहर में 49, ये होगा। हमें इस नतीजे पे पहुंचे कि 192 हुआ, ये 200 हुआ और ये हुआ 50, होकर 200 में 4 कम। देख लीजिए कौन सा बड़ा है, 3 का पावर 200 से आया, इससे ये कहाँ से आया, इससे। तो लिख देंगे कि भाई 9 के पावर 100 जो है इज द ग्रेटेस्ट, समझ गए, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये तो इसी तरह से है, 2 का पावर 156, 4 का पावर 79, 128 का पावर 23 और 8 का पावर 50। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें भी पूछा गया कि भाई सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, 343 का पावर 3, 2401 का पावर 2 और 49 का पावर 5 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। 343 आप जानते हैं कि 7 का क्यूब होता है, ये 7 का पावर 4 होता है, 7 का पावर 2 होता है, तो 7 का पावर 9 हो गया, 7 का पावर 8 हो गया, 7 का पावर 10 हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे पहले 7 का पावर 10, 7 का 9, फिर 7 का पावर 8। 7 का पावर 10 कहाँ से आया है, इससे आया है, तो 49 का पावर 5 हो जाएगा ये। 9 कहाँ से आया है, तो पहले वाले से आया है और ये हो गया 2401 पावर। ये हमारा आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव का पावर 3x+2 बराबर है 25 इंटू फाइव का पावर 4x-5। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये 5 का पावर है, इसको भी 5 का पावर बदल लीजिएगा, पावर प्लस हो जाएगा, 5 का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूट अंडर 125
प्लस ये कितना है, वन सेवेंटी फाइव है, नहीं 175 नहीं है, ये 125 ही है, सेम नंबर लेकिन होना नहीं चाहिए। पूछा गया कि इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या होगा, तो रूट 125 का वैल्यू मैंने आपको निकाला सिखाया होगा। सर क्यों कर रहा है ऐसे, देख लीजिए 5 से 25 पेयर लग गया तो बाहर, नहीं लगा तो रूट के अंदर, 5 रूट 5 ये भी 5 रूट 5 845 का भी तो तोड़ना होगा, तो ये 5 से 1 6 9 13 से 13 रूट 5 आएगी, तो ये हो गया 10 रूट 5 माइनस 13 रूट 5। तो 10 रूट 5 और माइनस 13 रूट 5 क्या होगा, -3 रूट 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से जरूर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट, रूट अंडर 2 का पावर n इज इक्वल टू 1024 फाइंड 3 का पावर n/4-4, ये क्वेश्चन पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसे सॉल्व करके इनका बताओ, तो रूट हटाना है, इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, चाहे स्क्वायर में बोथ साइड कर लीजिए, दोनों में से कोई एक कम, तो इधर से रूट हटेगा इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लिखते हैं कि रूट टू एन जो है ना, पहले 10 से 24 दो के पावर कुछ होता है ना, 2 का पावर कितना होता है निकालना होगा, 1024 2 से 512 2 से 256 2 से 128 2 से 64 2 से 32 2 से 16 फिर आप 16 यहाँ देते हैं 2 से 8 2 से 4 2 से 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 का पावर 10 हो गया। रूट हटेगा स्क्वायर आएगा, तो 2 की पावर n = 2 की पावर 10 की पावर 2 2 का पावर n = 2 का पावर 20 2 खत्म, n का वैल्यू 20 आ गया। अब इसमें हम n का वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा, उसके लिए हम लोग यही जगह यूज कर लेते हैं, इतना है ना, तो 3 का पावर 20/4-4 3 का पावर 1 = 3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे बना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का पावर 5x (2x) / 2x (3x) = 3 का पावर 7 यही क्वेश्चन है। ठीक है, बनाते हैं क्या होगा, देखिए 3 का पावर 5x 81 है तो इसको 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, पावर 6561 क्या होगा, 6561 का आप निकालिएगा तो सबसे पहले ये 3 से कटेगा, ठीक है, कटते जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का पावर 81 का स्क्वायर ये होता है 81 का स्क्वायर, तो 3 का पावर ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 का पावर 5x
इंटू थ्री का पावर एट इंटू थ्री का पावर एट बाय थ्री का पावर टू एक्स थ्री का पावर, देखिए ध्यान दीजिएगा पावर ऐड हो जाएगा, तो थ्री के पावर फाइव एक्स प्लस आठ प्लस आठ प्लस सोलह और बाय में थ्री का पावर टू एक्स बराबर थ्री का पावर, देखिए बेस सेम है डिवाइड में पावर घट जाएगा, थ्री के पावर फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस टू एक्स थ्री का पावर से बेस बेस खत्म। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइव एक्स माइनस टू एक्स क्या हो गया थ्री एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू सेवन, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा थ्री हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, लगता है बैटरी डिस्चार्ज हो गया क्या। नहीं सब तो ठीक है अभी, फिर बजा क्या साउंड क्या है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद हम लोग लेक्चर को फिनिश करेंगे, मोबाइल का बैटरी जो लो है उसका पोजीशन दिखा रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, वन बाई सेवन का स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने के बाद माइनस टू, फिर मिडिल ब्रैकेट के बाहर माइनस वन बाई थ्री और फिर बड़ा ब्रैकेट के बाहर वन बाई फोर इक्वल टू सेवन की पावर है, तो m का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। आपने देखा है फॉर्मूला, इस जगह में लिखता हूँ a की पावर m का होल पावर अगर n है तो mn हो जाता है, और अगर इसके बाहर भी p है तो mlp होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे वन के पावर वन बाई सेवन स्क्वायर सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा सीधे माइनस टू इंटू वन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर इज इक्वल टू सेवन की पावर एम, यही होगा माइनस मतलब ये तो दो से कट गया तो क्या आया वन बाई सेवन स्क्वायर को आप सेवन के पावर माइनस टू लिख सकते हैं, और इसके बाहर में क्या आया वन बाई सिक्स, अब क्या होगा सेवन के पावर माइनस टू इंटू वन बाई सिक्स इक्वल टू सेवन की पावर है, सेवन सेवन खत्म कर जाएगा, माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू एम, यही हमारे एम का आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है के बाद हम लोग लेक्चर फिनिश करेंगे, लेकिन आपने उम्मीद करता हूँ इस सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखे थे। क्वेश्चन है 25 का पावर n माइनस वन प्लस 100 इज इक्वल टू 5 का पावर 2n माइनस वन, ठीक है यही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसके बाद सेशन फिनिश करेंगे। 25 है 5 है 25 को 5 के पावर में लिख सकते हैं, तो इसे लिख दिया हमने 5 का पावर टू होता है और बाहर में है एन माइनस प्लस 100, अब देखिए ये क्या होगा 5 का पावर 2n माइनस 2, इसको इधर लाते हैं ठीक है, तो माइनस 5 के पावर 2n माइनस 100 को उधर भेज दिए तो माइनस में 100 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 5 का पावर 2n 5 का पावर 2n कॉमन आ रहा है, तो 5 का पावर 2n हमने कॉमन ले लिया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 का पावर माइनस 2 आएगा, इससे इसको करेंगे तो 5 का पावर माइनस 1 आएगा, सॉल्व कर लिया जाए 5 का पावर माइनस 2 का फॉर्मूला 1 बाई 5 के पावर 2 हो जाएगा और ये 1 बाई 5 के पावर 1 हो जाएगा, तो अब देखिएगा कि ये 1 बाई 25 हो गया और 1 बाई 5 हो गया, सॉल्व कर लेते हैं 25 5 के एलसीएम 25 1 माइनस 5, देखिए 5 माइनस 4 हो गया, क्या हो गया ये माइनस का 4, तो माइनस से माइनस घटा देता हूँ 4 से कट गया 25 बार में, सब लगता है इतना में हो जाना चाहिए,
देखिए 5 के पावर 2n है, बाय में 5 के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा, तो क्या जाएगा 5 के पावर 2n माइनस 2 और ये 25 हो जाएगा 5 का पावर 2, 5 5 खत्म, 2n माइनस 2 इक्वल टू 2, 2n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को फिनिश करते हैं।